हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रैंड विटारा की। ये देखो, पहले मैं इसका और भी दिखा देता हूं बाहर से। ये हमारे पास खड़ा है ड्यूल्टन अल्फा मैनुअल, टॉप मॉडल है, स्मार्ट हाइब्रिड के साथ आता है, जो ड्यूल्टन है। ये सबसे पहले बात करते हैं हम इसके फ्रंट की। फ्रंट में ही मारुति सुजुकी का बड़ा सा लोगो मिलता है ये, और ये आपको क्रोम गार्निश मिलती है इसमें। यहाँ पे जो ग्रिल है, और ये जो ग्रिल की फिनिश है ये है पियानो ब्लैक फिनिश, ये क्रोम की लाइनिंग है। यहाँ पे जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस आता है वो आता है 210 mm। और यहाँ पे प्रोजेक्टर है इसमें, हेडलैम्प इसका, और ऊपर एलईडी दिए हुए हैं। ये देखो, तीन एलईडी हैं, नीचे प्रोजेक्टर है। तो फ्रंट से तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी दिखती है, ये ड्यूल टोन कलर है। जो इसका व्हील आता है ये आता है 215/60R17, जो कि 17 इंची अलॉय व्हील आते हैं इसमें। अलॉय व्हील का डिज़ाइन बहुत अच्छा है इसका। ये देखो, अब बात करते हैं इसके पीछे की। तो यहाँ पे मारुति सुजुकी का ये लोगो दिया हुआ है। ये ग्रैंड विटारा की बैजिंग है, ये स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग है, और ये पीछे रिवर वाइपर दिया हुआ है, डिफोगर है, ऊपर सार्फिन एंटीना दिया हुआ है, रूफ रेल दिए हुए हैं। और ये इसकी बैकलाइट देखो, एक यहाँ पे दिया हुआ है और ऊपर भी है, बूट पे भी और इसके साइड पैनल पे भी। ये जो इसका रियर कैमरा है वो यहाँ पे है, नंबर प्लेट के बिल्कुल ऊपर। पीछे से भी दिखा देता हूँ ग्राउंड क्लीयरेंस। ये इसका बूट है जो 373 लीटर में आता है। ये देखो, इतना खास नहीं है बूट स्पेस इसका, मेरे को अपने हिसाब से पर्सनल जो बता रहा हूँ। ये रेड कलर है। तो भाई अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पे डिलीवरी भी हो रही है तो उसका शोर आ रहा होगा हल्का फुल्का। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, पहले रियर से दिखा देता हूँ। ये देखो, रियर से कुछ इस तरह की है। और ये यहाँ पे देखना, अब इसके डोर पे ये पियानो ब्लैक है, ये पावर विंडो है, और ये डोर अनलॉक है, ये वही है स्विफ्ट वगैरह में जो पहले आता था, कुछ इस तरह का ही है। और ये यहाँ पे ये अच्छी लग रही है, लेदर फिनिश का है, जो काफ़ी सॉफ्ट है। ये प्लास्टिक है, इसकी क्वालिटी थोड़ी ऐसी ही है। तो ये है इसका रियर सीट, रियर में देखते हैं। तो जो आप ये इसकी सीट देख रहे हैं, ये वेंटिलेटेड की तरह दिख रही है, लेकिन ये वेंटिलेटेड नहीं है। ये सीट बेल्ट दी हुई है इसके पीछे की। और ये देखो, हैंड रेस्ट, इसमें दो कप होल्डर हैं, और ये बीच में भी एक हैंड रेस्ट दिया हुआ है इसमें, सॉरी हेड रेस्ट दिया हुआ है, और साइड में तो होते ही हैं। और इस सीट बेल्ट प्लेसमेंट देखो कहाँ से आई हुई है, इस सीट के लिए, इसके लिए ये खाली। और यहाँ से ये पार्सल ट्रे भी दी हुई है इसमें रियर में। डोर को कर लेते हैं इसको बंद, शोर नहीं आएगा अब। ये देखो, इसमें यहाँ पे पीली लाइट है, यहाँ पे भी पीली लाइट है ये, और ये सनरूफ है इसका। सनरूफ कैसा कह सकते हैं, ये वैसे कह रहे हैं क्रेटा, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा ये उतना है। और ये पीछे रियर एसी वेंट दिया हुआ है इसमें, और इसमें दो चार्जिंग सॉकेट दी हुई हैं, एक सी पिन है, एक पुराने वाली है, और ये वेंट है खाली। और ये स्पीकर है इसमें, यहाँ पे प्लेसमेंट पीछे के यहाँ पे है। तो ये पीछे से कुछ इस तरह का इंटीरियर दिखता है इसका। ये देखो, ये
ये 5-speed मैनुअल के साथ आती है, ये इसका गियर नॉब है, ये टच स्क्रीन है जो सब में तकरीबन सेम ही आता है, और वहाँ ऊपर सनरूफ के कंट्रोल हैं, वो तो मैं अभी आगे चल के दिखा दूंगा आपको। और ये देखो बलेनो की तरह ही है, इसमें ये सीट इतने बड़े बड़े हेडरेस्ट हैं इसके, अच्छे हैं लेकिन सही हैं। लेकिन ये गलत लगा, ये 17 लाख का पड़ता आपको एक्स शोरूम इसका यहाँ पे सोनीपत में हरियाणा के अंदर। तो ये देखो पीली लाइट दी हुई है यार, ये मेरे को तो पसंद नहीं आई ये चीज़ें, इसमें आगे भी पीली लाइट है, वो दिखा देता हूँ मैं अभी आपको, आपका आगे चल के। ये है इसका फ्रंट डोर, यहाँ पे इसके पावर विंडो के कंट्रोल हैं, ये मिरर का कंट्रोल है, ये लॉक अनलॉक का चारों डोर का, ये इसके जो ये शीशे होते हैं इनका लॉक है, और ये ऑटो डाउन वाला फीचर है इसमें, यहाँ पे केवल एक दरवाजे में है, सब में नहीं है। और ये भी वैसे ही क्रोम फिनिश में, ये वैसे ही पुराने तरह के सब में आते हैं इनके में, ये यहाँ पे भी लेदर दिया हुआ है। और ये कोई भी आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती, मैनुअल ही है, हाइट एडजस्टेबल है, और ये ऊपर नीचे होती है, कोई भी मैनुअल नहीं है ये, सॉरी ये इलेक्ट्रिक नहीं है, ये मैनुअल है। तो अब आ गए हम इसके ड्राइवर सीट पे, तो यहाँ से कुछ इस तरह का दिखता है इसका इंटीरियर। यहाँ पे इसका पुश बटन स्टार्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे ये लाइट एडजस्टमेंट कंट्रोल, और नीचे बूट का और फ्यूल का यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सही रहता है ये, और में यहाँ होते हैं इसमें, यहाँ पे सही होता है। और ये इसके एसी वेंट है, और ये इसका सनवाइजर है, ये लाइट के साथ आता है, पीली लाइट आती है, लेकिन इसमें एक यहाँ पे है, इसमें भी, हाँ इसमें भी लाइट है। और ये इसके सनरूफ के कंट्रोल हैं, ये भी पीली लाइट है, और ये इसका सनग्लास होल्डर है, ये इसकी टच स्क्रीन है, ये हजार्ड लाइट का ऑप्शन है, इसमें आता ऑटोमेटिक एसी आता है, लेकिन इसमें देखो सीट के डिज़ाइन आपको लगेंगे कि जैसे वेंटिलेटेड हैं, लेकिन वेंटिलेटेड है नहीं, वेंटिलेटेड नहीं है ये, ये इसकी कुछ इस तरह की गियर नॉब है, सेम ही है सब में वैसे तो, बस ये इतनी अच्छी नहीं लगी मेरे को पर्सनली। ये इसका हैंड रेस्ट है यहाँ पे, ये दो कप होल्डर दिए हुए हैं, ये हैंड ब्रेक है, ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, और ये यूएसबी का होगा इस तरफ, ये है यूएसबी का। ये भी इतनी खास सी फिनिश नहीं है, लेकिन ये बढ़िया सिस्टम है इसका। ये देखो क्या दिखाता हूँ मैं आपको, अरे यार डंडी से एडजस्ट कौन करता है। और इसके एक स्टीयरिंग के कंट्रोल इसमें यहाँ पे मिलते हैं मारुति में, स्टीयरिंग तो वही लग रहा है मेरे को स्विफ्ट वगैरह में, जो अर्टिगा वगैरह में दिया हुआ है वही देखने को मिलता है। तो वही ये थी ग्रैंड विटारा, जो कि आपको एक्स शोरूम 17 लाख की पड़ती है यहाँ सोनीपत हरियाणा में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।